कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में सेहतमंद और खुशहाल होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, कल मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, इसीलिए आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ ओरियो केक। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 पैकेट ओरियो केक लिया है और 3/4 कप यहाँ पे मैंने चीनी लिया है, पीसी हुई चीनी है ये, और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है और मिक्सिंग के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही दूध इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं आगे। अभी मैं पहले, देखिए मैंने चीनी को पीसा था, इसी जार में मैं बिस्किट्स को डाल के ग्राइंड करूँगी पहले। देखिए, मैं पहले थोड़ा थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, फिर मिलते हैं ग्राइंड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे बिस्किट को ग्राइंड कर लिया है और महीन पीस कर रेडी कर लिया है इसको। अभी मैं इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लेती हूँ। ये देखिए, ये है बेकिंग पाउडर। आपको बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिस्किट में तो पहले से ही बेकिंग सोडा होता है, बस बेकिंग पाउडर तो सिर्फ केक के लिए थोड़ा सा डालना पड़ता है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पे मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। अब मीठा ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से डालिएगा फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा कम ही डाला है, बिस्किट तो अपने आप में ही मीठा होता है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से, इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के मिलाऊँगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। अभी देखिए, मैं इसमें थोड़ा दूध डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये चॉकलेट देखिए, बहुत अच्छा बन के रेडी होता है ये ओरियो केक, और बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं है इस पर। ये देखिए, लगभग हो गया है। आपको कट फोल्ड करना है फ्रेंड्स। आप ऐसे ही मिक्स करेंगे तो आपका केक अच्छे से नहीं फूलेगा, चिपक जाएगा नीचे। आपको ऐसा नहीं करना है। ये देखिए, लगभग हो गया है, और 2 मिनट मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी तो ये मैं अपने तसल्ली के लिए बना रही हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड बाहर से केक लाने के लिए देख रहे हैं फ्रेंड्स कल। आज ही हमारे पास अब दुकानें वगैरह खुली होंगी, और कल से तो हमारा गांव सारा लॉकडाउन हो जाएगा 10 दिन के लिए। पता नहीं ये 10 दिन कैसे गुजरेंगे घर पर ही फ्रेंड्स। आप भी अपने, आप कैसा महसूस कर रहे हैं घर में लॉकडाउन में, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तो ये रेडी हो गया है, मुझे लगता है इसमें और थोड़ा दूध लगेगा तो मैं और थोड़ा दूध डाल लेती हूँ। थोड़ा सा ही, बाय बाय।
ये देखिए, और थोड़ा दूध डाल लिया है मैंने। अभी इसको मिक्स करने के बाद ये हो गया है रेडी। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और एक केक का टिन लेकर मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी अच्छे से, ताकि केक चिपके ना। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर हो तो आप डालिएगा, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है। ये देखिए, थोड़ा मैदा छिड़क लेते हैं इस पर। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप ऐसा मैदा छिड़क दीजिएगा, आपका केक नीचे नहीं चिपकेगा फ्रेंड्स, डरिएगा मत, बहुत बड़ा काम नहीं है। हम डरेंगे तो कोई भी काम नहीं कर सकेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, अभी मैंने मिक्स किया हुआ बैटर इस पर डाल देती हूँ। आपको 10 मिनट के लिए चूल्हे, मैं केक कुकर में बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारा बैटर मैंने इस पर फैला दिया है। आप चाहे तो थोड़ा छोटा वाला भी टिन ले सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा वाला लिया है, ताकि मैं थोड़ा मोटा नहीं, तो मीडियम साइज़ पे रखना चाहती हूँ इसको। अभी मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, इस पे मैंने एक प्लेट रखी है, ताकि ये हमारा जो केक वाला टिन है वो नीचे ना लगे। तो मैंने इसको 10 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अभी मैं इस पे जो है, ये हमारा जो बैटर है, जो टिन है, इसको मैं रख देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने रख, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, हाथ अगर जल जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। अभी मैं इसको 30 से 35 मिनट के लिए कुकर के ढक्कन को मैंने ये विजल और निकाल लिया है, तो मैं इसको ढक के 30 से 35 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। देखते हैं 30 मिनट के बाद कैसा होगा। देखिए फ्रेंड्स, 35 मिनट के बाद हमारा केक बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा ठंडा होना चाहिए, वरना ये टूट जाएगा फिर। अभी मैं थोड़ा ठंडा करके आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।